हे गाइस, क्या हालचाल। अगर आपका वाईफाई एंड ब्लूटूथ डोंगल से काम नहीं बन रहा है एंड आप सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा पावरफुल एंड रिलायबल सोल्यूशन चाहिए, तो आप वाईफाई कार्ड्स की तरफ देख सकते हैं। इसमें आपको ब्लूटूथ एंड वाईफाई दोनों का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, अगर आप वैसा वाला वाईफाई कार्ड लेंगे जिसमें दोनों का ही सपोर्ट है। टीपी लिंक की तरफ से आने वाला आर्चर T5e भी एक वाईफाई कार्ड है जिसमें आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों का सपोर्ट देखने को मिलता है। इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल रिव्यू बना के चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप ऊपर आई बटन से या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इस कार्ड को खुद ही इंस्टॉल कर पाओगे, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले अपने पीसी के सारे केबल्स को डिसकनेक्ट कर लेना है एंड फिर अपने पीसी के लेफ्ट जो पैनल है उस पैनल को खोल लेना है। अगर आपने अपने पीसी को बहुत टाइम से नहीं खोला है तो अंदर आपको बहुत सारा डस्ट एक्यूमुलेटेड दिख सकता है, अगर है तो पहले उसको साफ करना है। अब जो पार्ट है वो आप स्किप कर सकते हैं अगर आप एक डेडिकेटेड GPU यूज़ नहीं करते, एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड यूज़ नहीं करते। अगर आपके पीसी में ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। जिनके पास ग्राफिक्स कार्ड है वो देखिए कि आपके ग्राफिक्स कार्ड के सामने की तरफ जो स्क्रूज लगे हुए हैं उनको आपको खोल लेना है। एंड इसके लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर लगेगा, एक 4-हेड स्क्रू ड्राइवर है तो बढ़िया है, मैं बोलूँगा एक मल्टीपर्पज़ स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है कि जैसा एक मेरे पास है ऐसा वाला। इसका एक साइड ये 4-हेड है एंड एक साइड ये 2-हेड है, तो अगर एक ऐसा टाइप का स्क्रू ड्राइवर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यूजुअली 4-हेड स्क्रूज ही यूज़ होते हैं, बट अगर आपका 2-हेड स्क्रू लगा हुआ है तो आपको 2-हेड यूज़ करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कैसा स्क्रू यूज्ड है, सो उस अकॉर्डिंग अपने स्क्रू ड्राइवर को ले आइए एंड उसको अनस्क्रू कीजिए। मैं इन स्क्रूज की बात कर रहा हूँ। अगर आपने ये स्क्रूज अनस्क्रू कर लिए हैं फिर मदरबोर्ड पे आपको एक क्लिप दिखेगा, GPU जहाँ से मदरबोर्ड में कनेक्ट हुआ है, तो उस क्लिप को आपको एंड से दबाना है, तो फिर GPU एक साइड से थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। फिर धीरे से आपको दोनों साइड से इक्वली करके GPU को पूरा बाहर निकाल लेना है। फिर आपको अपना वाईफाई कार्ड लेना होगा एंड उसके साथ एक केबल भी मिला होगा, USB केबल, उसको भी लेना होगा। फिर उसका जो USB जो केबल है, USB केबल के आप दो एंड्स देखेंगे, एक छोटा पिन वाला एक बड़ा पिन वाला। तो छोटा पिन जो है वो लगेगा वाईफाई कार्ड में एंड उसके बाद एक दूसरा जो बड़ा वाला एंड है वो जाएगा मदरबोर्ड के USB हेडर पे। अगर आपको USB हेडर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये यूजुअली आपके मदरबोर्ड के नीचे वाले डाउन साइड पे होता है, बॉटम साइड पे आप चेक कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। शायद आपके मदरबोर्ड में सारे USB हेडर्स बिजी हो तो आपको एक एटलीस्ट निकालना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए। एंड आप लगाने के पहले पिन होल्स देख लीजिएगा, पिन होल्स को USB हेडर के साथ अलाइन कर लीजिएगा, फिर आप हल्के प्रेशर से इसको लगाने की कोशिश करेंगे, ये लग जाएगा। अगर आपका वायरिंग का सीन पूरा डन है तो फिर आपको अपना जो वाईफाई कार्ड है उसको PCIe X1 स्लॉट में लगा लेना है। अगर आपको नहीं पता है या फिर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, PCIe X1 स्लॉट। एंड PCIe X1 स्लॉट अगर आपका ख़राब है तो आप कोई सा भी स्लॉट यूज़ कर सकते हैं, PCIe X4 हो गया, आप 16 हो गया, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कोशिश करना कि आप, क्योंकि आप अगर आप ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं तो अपना ग्राफिक्स कार्ड का जो स्लॉट है, जो पहला वाला PCIe X16 स्लॉट है, उसको छोड़ के आप नीचे जो स्लॉट्स मिलते हैं उनमें लगाएं। एंड एक और चीज़ है, आपका कितना गैप बन रहा है वो देख लेना, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड अगर है तो ग्राफिक्स कार्ड का इस कार्ड के साथ थोड़ा गैप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप नहीं चाहिए, बहुत ही माइनर गैप चाहिए, बट एक गैप चाहिए, क्योंकि PCIe X का जो स्लॉट होता है ना, आप देखेंगे उस साइड पे कि एक एक करके हाउसिंग दिया हुआ है, तो कितना हाउसिंग आपका ग्राफिक्स कार्ड ले रहा है उसके बाद आप देखना जो स्लॉट है उसमें लगा सकते हैं या फिर उसके नीचे किसी भी स्लॉट में लगा सकते हैं। उन दोनों स्लॉट में, जैसे मेरा ग्राफिक्स कार्ड 2 स्लॉट लेता है तो मैं 2 स्लॉट खाली करके रखा हूँ, तो आपका ग्राफिक्स कार्ड अगर 3 स्लॉट लेता है तो आप 3 स्लॉट छोड़ के देखिए कि आपके बाकी स्लॉट्स में पोर्ट्स है क्या, तो तब आप वाईफाई कार्ड को यूज़ कर पाएंगे। एक बार आपका कार्ड फिट हो गया तो आपको सारे स्क्रूज कस लेने हैं वापस एंड अपने ग्राफिक्स कार्ड को लगाना मत भूलना। एंड में आपके पास 2 एंटेनास रह जाएंगे पैकेट में, उनको आपको पीछे के साइड स्क्रू कर देना है, वो ऐसे ट्विस्ट करने से वो स्क्रू अप हो जाते हैं, हाथ से ही हो जाएगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड फिर उसको सीधा कर लेना। अब बस आपका सिस्टम रेडी है, आपको इसको टर्न ऑन करना है, आपको गूगल पे जाके इसके ड्राइवर्स सर्च करने हैं। एक बार आपको ड्राइवर्स मिल जाए तो आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेने हैं एंड जब आप ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों का ही सपोर्ट मिल जाएगा। एंड हमेशा लेटेस्ट ड्राइवर्स को डाउनलोड करना क्योंकि वो अपडेटेड होते हैं एंड उनमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। यही था आज का वीडियो।
आशा करता हूँ कि आपको हेल्प मिला है एंड अभी आप अपने से अपने वाईफाई कार्ड को इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और ट्यूटोरियल वीडियोस के लिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।